बड़ी खबर, जेयूटी के कुलपति प्रदीप कुमार मिश्रा ने इस्तीफा दिया है। राजभवन में कुलपति ने अपना इस्तीफा भेज दिया है। भारी मन से झारखंड को वो अलविदा कहने वाले हैं। जेयूटी की नियमावली ना बन पाने से व्यथित थे वो। अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ के कुलपति बनाए गए हैं। जेयूटी के कुलपति ने इस्तीफा दिया है, राजभवन उन्हें अपना इस्तीफा भेज दिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। कुलपति प्रोफेसर प्रदीप कुमार मिश्रा, उन्होंने AKTU लखनऊ में VC के तौर पर ज्वाइनिंग की है और एक माह के भीतर उन्हें योगदान देना है। और इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हमारे सहयोगी अजय लाल। निश्चित तौर पर यह बड़ी खबर अपने आप में कि एक और जहां शिक्षकों की कमी हर जगह रहती है, झारखंड में बहुत दिनों से नियुक्तियां नहीं हुई है और उसमें भी JUT जैसे महत्वपूर्ण संस्थान के कुलपति इस्तीफा भेज रहे हैं। क्या है पूरा मामला? देखिए पंकज, सबसे अहम मामला यह है, सबसे बड़ा मामला यह है कि JUT के कुलपति आचार्य प्रदीप कुमार मिश्रा 13 महीने तक JUT के कुलपति रहे, लेकिन इस तेरह महीने में उन्होंने बार बार 7 बार उन्होंने सरकार से अनुरोध किया, उच्च शिक्षा विभाग से अनुरोध किया, राजभवन से अनुरोध किया कि JUT का एक नियमावली आप बना दीजिए। हाथ पैर बंधे रहते हैं कुलपति के, लेकिन सभी प्रयास में वो विफल हो गए। आपको जानकारी होगी, न्यूज 11 ने खबर दिखाया था कि इसी JUT के कैंपस में राज्यपाल डॉक्टर द्रौपदी मुर्मू आई थी, उस वक्त के राज्यपाल थी वो। उस सभा में जब भाषण देने के लिए प्रदीप कुमार मिश्रा मंच पर आए थे, वो रो पड़े। उन्होंने कहा कि एक किताब तक खरीदने की क्षमता कुलपति के पास नहीं है। हालांकि डॉक्टर प्रदीप कुमार मिश्रा को APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ का कुलपति बनाया गया है, लेकिन ये भारी मन से झारखंड से विदा होंगे। ये झारखंड नहीं छोड़ना चाहते थे, रांची नहीं छोड़ना चाहते थे, अभी भी मैं उनके साथ ही हूँ। वो उनका कहना था कि झारखंड में बहुत काम करने की जगह जरूरत है, यहाँ बहुत ज्यादा काम करने का स्कोप है, लेकिन स्थिति ऐसी बन गई। आप कल्पना कीजिए कि इतना बड़ा विश्वविद्यालय झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी और उसकी नियमावली तक सरकार के पास नहीं है, उच्च शिक्षा विभाग के पास नहीं है, लिहाजा व्यथित थे। 2-3 बार ये राज्यपाल के समक्ष रो भी पड़े थे अपनी बात कहते कहते, लेकिन जैसे ही उन्हें एक नया स्कोप मिला, इन्होंने तत्काल अपना इस्तीफा राजभवन को भेज दिया। पंकज, बिल्कुल जाहिर सी बात आ जाए, क्योंकि निश्चित तौर पर काम करने वाला जो शख्स होता है उसे काम करना पसंद होता है और ऐसे 2023 तक वो यहाँ पर रहते, दिसंबर तक। अगर फिर भी उपलब्धियां हम जोड़े, उपलब्धियों की बात करें, तो क्या उपलब्धियां वो उनकी रही है, क्या देकर जा रहे हैं वो JUT को, क्या क्या देकर जा रहे हैं अपनी तरफ से? वैसे उपलब्धि ये रही कि इस JUT में अब से पहले सिर्फ एक प्रकार से परीक्षा लेने का काम करता था, लेकिन डॉक्टर प्रदीप कुमार मिश्रा के 13 महीने के कार्यकाल में तमाम तरह की पढ़ाई शुरू हुई। 12 लेक्चरर संविदा पर यहाँ पर रखे गए और कई क्लासेज ऑफलाइन ऑनलाइन की शुरुआत हुई। तो एक जो दाग था JUT के ऊपर कि सिर्फ ये डिग्री बांटने वाली संस्था रह गई, उस परसेप्शन को इन्होंने खत्म करने की कोशिश की है। और साथ ही राज्य के हमारे भारत पूरे देश से 12 राज्यों के बड़े उद्योगपतियों के साथ डॉक्टर प्रदीप कुमार मिश्रा ने MOU किया था। निश्चित तौर पर ये अच्छी खबर तो नहीं है, लेकिन चलिए चलते रहता है, अब नए जगह पे काम करेंगे, शुभकामना उनके लिए, लेकिन उम्मीद करेंगे कि JUT के लिए भी एक अच्छा सा कुलपति आए और फटाफट JUT में बहुत सारी पढ़ाइयां जो होनी चाहिए, जो हो रही थी, वो उसमें कोई विघ्न ना हो, ये हमारी हम कामना तो यही करेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया अजय, हमारे साथ जुड़े आप, पूरी जानकारी आपने दी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।